दीजिए का चीना आराम कर दिया हम लोगों का। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, पता नहीं क्या ये जीएसटी, समझ नहीं आ रहा। सीए साहब आप ही समझा दो क्या है जीएसटी। अरे चिंतामणि जी, इतने इतने दुखों में क्यों हूँ, क्या हो गया, क्या कर दिया इस जीएसटी ने, क्या समझ नहीं आ रहा, बताइए, पूछिए मुझसे। पता नहीं सीए साहब क्या रायता फैला दिया, ये कभी ये कर लो कभी वो कर लो, 1 2 3 जीएसटी यार क्या है ये। और मुझे तो एक टर्म समझ नहीं आता, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, पता नहीं भाई साहब क्या बिजनेस करे या हम ये इनपुट टैक्स खेलते रहे। अरे चिंतामणि जी क्यों घबरा रहे हो, सब कुछ पुराना ही है, इनपुट टैक्स पहले भी होता था। जितनी भी चीजें आप परचेज करते हैं आगे अपनी सर्विसेज या गुड्स देने के लिए और उन खरीदी हुई चीजों पर जब आप टैक्सेस पे करते हैं उन्हें बोलते हैं इनपुट टैक्स। आप बेसिकली जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किसी को गुड सप्लाई करते हैं तो आप ये काम करने के लिए सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपकी रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैं आपको सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सर्विस सप्लाई करने के लिए और बहुत सारी सर्विसेज लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, ये मेरे लिए हो गई इनपुट सर्विस। मैं बहुत सारे इनपुट्स लेता हूँ और बहुत सारे कैपिटल गुड्स खरीदता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रिंटर लिया है, कंप्यूटर लिया, इन पे जब मैं टैक्स पे करता हूँ उसमें बोलता हूँ इनपुट टैक्स, एज सिंपल एज दैट। और इन टैक्सेस को मैं अपनी जीएसटी लाइबिलिटी पे करने के लिए जब यूज करता हूँ तो वो हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। इतना आसान है, हमें समझ क्यों नहीं आया था अभी तक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। चिंतामणि जी जीएसटी है ही इतना आसान, अभी दिक्कतें आ रही हैं, आने वाले समय में ठीक हो जाएंगे। अब आप ही बताइए, कभी आपने घर शिफ्ट किया है, किया होगा जरूर एक आधी बार, तो क्या एक दिन में चुटकी बजाते ही घर का सारा सामान दूसरे घर में पहुंच जाता है और बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते नए घर में? नहीं, दिक्कतें हैं, आएंगी और अभी मैं कह रहा हूँ होती रहेंगी हमेशा ही, लेकिन धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनपुट टैक्स रेट के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, बस आप देखिए कि आपने कितनी परचेज करी है, फिर ये देख लीजिए वो एलिजिबल परचेज है या नहीं, यानी उनके ऊपर क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं, इसके लिए थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आप सेक्शन 16 जाके पढ़ लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। ये सेक्शन वेक्शन समझ आ रहे हैं या आपको लेमैन लैंग्वेज में बताऊं? अरे सेक्शन वेक्शन छोड़ो, हम कोई सीए स्टूडेंट थोड़ी हैं, हम तो सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, आजाद रहते हैं, हमें ऐसे ही समझा दो। तो सुनिए चिंतामणि जी, चार बातें हैं याद रखिएगा, क्रेडिट लेने में आसानी रहेगी। नंबर एक, आपके पास होना चाहिए टैक्स पेमेंट का प्रूफ, जैसे कि इनवॉइस या और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रिस्क्राइब्ड है। नंबर दो, आपको गुड्स और सर्विसेज जो है रिसीव हो जानी चाहिए, आपको या आपके बिहाफ पे किसी को रिसीव हो गई हो तो भी चलेगा। नंबर तीन, जो आपसे टैक्स कलेक्ट किया आपके सप्लायर ने, वो उसने गवर्नमेंट को पे कर देंगे, वो पे कर दिया होगा तभी आपको क्रेडिट मिल पाएगा। हाँ, आप प्रोविजनल क्रेडिट भी ले सकते हो, इसका मतलब कभी डिटेल में समझा दूंगा। और नंबर चार बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि सर आप अपनी रिटर्न जरूर फाइल करें चिंतामणि जी, अंडर सेक्शन 39, दैट इज GST R3, ठीक है। और एक दो तीन की चिंता मत लीजिए, ये भी बहुत आसान है, ये भी सिखा देंगे एक दिन आपको एक सेशन में। खूब बढ़िया सीए साहब, मजा आया। अच्छा एक बात बताओ, 1 जुलाई को तुम्हें भी तो मोदी ने सुनाया था है ना? तुम तो उसके जीएसटी को प्रमोट कर रहे हो। देखो चिंतामणि जी, वो हमारा पर्सनल मैटर था, अब उसमें ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। आप अपना जीएसटी संभालिए, आप अपना बिजनेस संभालिए और सर हम आपकी जीएसटी के कंप्लाइंस संभालते हैं, राइट चिंतामणि जी। चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अगली कक्षा में आइएगा, कुछ दिक्कत दिखाई दे तो पूछ लीजिएगा, सीए काम बहुत आते हैं। अच्छा चलता हूँ, रिटर्न में याद करूंगा, उसके बाद फिर से एक और रिटर्न में याद करूंगा। आई होप आपको भी ये समझ आया कि आप जीएसटी का क्रेडिट कब ले सकते हैं। तीन चीजों पे आप क्रेडिट ले सकते हैं, इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड, इनकी डेफिनेशन में कभी आपको और समझा दूंगा। चार कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है, कौन कौन सी, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इनवॉइस, उसके बाद आपके पास गुड्स और सर्विसेज जो है वो रिसीव हो गई हो, तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि आपके सप्लायर ने यानी कि जिससे आपने गुड्स और सर्विसेज ली थी उसने आगे टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, बट आप प्रोविजनल बेसिस पर भी क्रेडिट ले सकते हैं, और चौथी बात जो आप याद रखनी है कि भाई आपने अपनी 39 वाली सेक्शन वाली रिटर्न जो है फाइल कर दी हो। अगर सर आपको वीडियो पसंद आई तो दे दीजिए इसको बढ़िया सा थम्स अप और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी और वीडियोस बनाएं कि ना बनाएं या फिर वही बोरिंग तरीके से पढ़ाते रहें। मेरा मन करता है कि जीएसटी की बातें कुछ आपको समझाई जाए ताकि आपके दिमाग में ये अंदर तक बैठ जाए, राइट गाइस। चलिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद, और हां सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। हमें भी सिखा दो।